गाइस, मैं सुलेमान, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, टेक सप्लाई चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उस क्रीम का नाम है डेकडान लाइट स्किन क्रीम, जो कि वोकार्ड कंपनी बनाती है। इसको कैसे यूज करना है, फेस को गोरा करने के लिए या डार्क स्पॉट हटाने के लिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। किस टाइम यूज करना है, कितनी डोज में यूज करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा इसको कैसे यूज करना है और कितनी डोज में यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब बात करते हैं ये क्रीम किस कंपोजिशन मिलकर बनी होती है। ये क्रीम जो है, इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन होता है, मोमेंटासोन होता है, ट्रेटोनोइन होता है, यानी ये तीन कंपोजिशन मिलकर बनी होती है। यानी हाइड्रोक्विनोन जिसमें होता है 2% होता है, और मोमेंटासोन जो होता है इसमें 0.1% होता है, और टेटेनोइन जो होता है इसमें 0.025% होता है। ये 3 साल्ट से मिलकर बनी होती है। जो तीनों का काम भी, वर्क भी, जो यू जो मैकेनिज्म, जो एक्शन होगा, तीनों का अलग अलग है। अब जैसे बात करते हैं मोमेंटासोन और टेटेनोइन। मोमेंटासोन और टेटेनोइन क्या करते हैं, ये जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, मेलास्मा हो जाता है, इसको जो ये रिमूव कर देते हैं। यानी हमारे फेस पे सर्कल टाइप के बन जाते हैं, डार्क स्पॉट टाइप के, उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे मोमेंटासोन जो है एक स्टेरॉइड है, ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से जो केमिकल रिलीज होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से, उनको ब्लॉक कर देता है। और आइसोट्रेटोनिन का जो काम होता है, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है ट्रेटोनोइन। जो आइसोट्रेटोनिन, ये क्या करता है, जो हमारी स्किन डेथ हो जाती है, जो खत्म हो जाती है, उस स्किन को रिन्यू कर देता है, यानी रीग्रोथ कर देता है उसको। और जैसा हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन का जो काम होता है वो फेस को लाइटनिंग करना, यानी फेस को चमका देता है, और जो पिगमेंटेशन जो होगा उसको कम कर देगा, और मेलानिन का जो अमाउंट होगा हमारी हमारी स्किन में, जो मेलानिन है उसको भी कम कर देता है ये, जिससे क्या हमारी स्किन जो चमकने लगती है और गोरापन आ जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट है, बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे बर्निंग हो गया, इचिंग, रेडनेस हो गया। क्या होता है, इसको ज्यादा यूज करते हैं तो यूज करने के बाद तो हमारा चेहरा जो लाल लाल सा दिखाई देने लगा। धूप में जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको चेहरा जो काफी लाल लाल सा दिखाई देगा। अगर आप इसको लंबे टाइम तक अगर यूज करते हैं, तो इसका लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आते हैं, जो कि आसानी से नहीं जाते हैं ये। इसलिए मैं ये कहूंगा, इसका अगर आपको यूज कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले लें यूज करने से पहले, कि उसके साइड इफेक्ट्स आने के बाद में आसानी से जाते नहीं है। जैसे इसका यूज क्या है, मेलास्मा, डार्क स्पॉट वगैरह हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। जैसे लेडीज को आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी में चेहरे पे धब्बे जैसे बन जाते हैं, तो उनको भी ये रिमूव करता है। अब बात करते हैं कैसे इसको यूज करना है। तो इसका यूज क्या करना है, सिंपल सा एक तरीका इसको यूज करने का, मोस्टली जो है आपको जो यूज करना है, इसको रात को सोते टाइम यूज करना है, बहुत थोड़ा सा लेना है, सोते टाइम यूज करना है। जब तक आपका मेलास्मा है, जब तक आपके स्पॉट है, तब तक ही यूज करना है। अगर स्पॉट्स आपके चले जाएं, उसके बाद स्किन को यूज नहीं करना है। अगर आपका स्किन फेयर है, अगर आप उस पर यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, क्योंकि इसका जो मेन यूज है वो मेलास्मा को, डार्क स्पॉट को रिमूव करने का है, और हमारी स्किन को जो पतला बना देता है, या हमारी स्किन जो होती है, फेस की स्किन जो होती है डेथ हो जाती है, या किसी कारण वो खत्म होने लगती है, तो उसको रिन्यू करने में मदद करता है। अगर आपका फेस बिल्कुल सही है, अगर आप उस पर यूज करेंगे तो उसके बहुत साइड इफेक्ट आएंगे, इसलिए इसको ऐसे यूज ना करें। उसको रात को सोते टाइम ही यूज करना चाहिए, बहुत थोड़ा अमाउंट में यूज करना चाहिए, और जब तक यूज करें जब तक मेलास्मा है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी मैं वीडियो लाने वाला हूँ क्रीम्स पे, अलग अलग क्रीम्स पे मैं लाने वाला हूँ, और जो और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी आप जाके एक बार रिवॉच कर लेना, वॉच कर लेना, देख लेना, और चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।